नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, सफल होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और सफल रहें। दोस्तों, आज है वरु थ्री एकादशी। 4 मई शनिवार का दिन है और आज है वरुथनी एकादशी। व्यक्ति को हर पाप से मुक्ति दिला देने वाली एकादशी। आज दोस्तों जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करें। जहाँ भी गरीब व्यक्ति दिखाई देता है देते हैं, उन्हें भोजन खिलाएं, चाय पिलाएं। शनिवार का दिन है और 4 का अंक है। जहाँ पर भी गरीब पब्लिक दिखाई देती है उन्हें चाय आज जरूर पिलाएं। मैं लगभग अपनी वीडियोज में इस चीज का जिक्र करते रहती हूँ कि चाय गरीबों को जरूर देते रहें, कभी शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। आज गाय माता को चारा जरूर खिलाएं। जहां पर भी मछली या कछुए हो वहां जाकर के दाना जरूर डाल दें। गेहूं का आटा लगाए, उसकी छोटी छोटी सी आप गोली बना लें, उन्हें खिला सकते हैं। ब्रेड ले जा सकते हैं, ब्रेड भी खिला सकते हैं। आज के दिन कछुओं को और मछलियों को दाना देने से, फूड देने से कभी भी दोस्तों लाइफ में कर्जा नहीं रहता। कर्ज के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताऊं, आज वरुथनी एकादशी है, आज के दिन गजेंद्र मोक्ष पाठ का जरूर पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष पाठ जरूर करें अपने घर में, इससे आपका कर्जा उतरेगा और दबा हुआ पैसा वापस आएगा। जो लोग नहीं कर सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरियन अपने घर में मंगवा करके रख लें, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, गारंटी है मेरी दोस्तों कर्जा उतर जाएगा। पैसों को लेकर के जिन्हें तकलीफ है, आज एक छोटा सा उपाय जरूर करें। वैसे दोस्तों मैं बता दूं, ये कलयुग है, कलयुग में राहु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मच्छी मणि जरूर पहने। और अभी सेल पर चल रही है, जरूर मंगवा लें और उसे धारण करें। मच्छी मणि ऐसा स्टोन है जो अचानक धन देता है, सट्टे में, लॉटरी में किस्मत को चमका देता है, कुसंगतता से बचा लेता है। और भी इसके ढेरों अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं। और दूसरा दोस्तों पाइराइट गजब का स्टोन है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूंगी अपने घर में 100 किलो पाइराइट रखो। पाइराइट, अगर आपके घर में पाइराइट है तो गरीबी आपको टच नहीं कर सकती, ये मेरी गारंटी है। कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैडम, मैंने मंगवाया था लेकिन वो रिजल्ट नहीं दिखाई दिया, तो पाइराइट के इन छोटे टुकड़ों को जो अभी सेलेनाइट प्लेट में इंट्रोड्यूस किए उस पर आप ऐसे रख दें 15 मिनट के लिए, रख करके उत्तर दिशा में उस प्लेट को रखें। आप देखेंगे सारे के सारे स्टोन्स एक्टिव हो जाएंगे और रातों रात किस्मत चमकेगी। दोस्तों लक्ष्मी को आते भी देर नहीं लगती है, लक्ष्मी को जाते भी देर नहीं लगती है ना। आज शनिवार का दिन है, वरुथनी एकादशी है, आज भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ करें। उन्हें पीले फूल की माला अर्पित करें, माता लक्ष्मी को गुलाब की माला अर्पित करें, घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, लड्डू पीले कलर के उन्हें अर्पित करें। और माता लक्ष्मी को आज के दिन दोस्तों मीठा दूध जरूर अर्पित करें, अगर खीर अर्पित कर सकते हैं तो और भी अच्छा। आज माता रानी के श्री सूक्त का पाठ अपने घर में संध्या समय या रात को जरूर। गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। और आज सोने से पहले पैर के तलवे पर भटकटैया का रस जरूर लगाएं। रस लगाने के बाद ओम नमो कमल वाशिनी स्वाहा 108 बार बोलें और 108 बार ओम धनदाय स्वाहा, ये कुबेर का मंत्र है, इसे भी बोलें। और उसके बाद में पैरों को जमीन पर ना रखें, सो जाए 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद। अगर लगता है कि नहीं मुझे उठना पड़ेगा, बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो 1-2 घंटे बाद ही जाएं, उस समय तात्कालिक तो पैर जमीन पर ना ही रखें। आज के दिन किया गया ये उपाय दोस्तों किस्मत को चमका देगा, करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।